हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है सालिनीज कुकिंग लाइफ में। तो आज मैं आपके साथ नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही कम सामग्री में और फटाफट से जल्दी से घर पे बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, मैंने कुछ नारियल को घिस लिया और कुछ को कट कर लिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए चीनी और दूध। तो सबसे पहले हम पैन में घी गर्म होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, हमें उसमें नारियल को फ्राई करना है। हमें ये फ्राइंग वाला प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है और हमें फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो नारियल जो है वो जल जाते हैं बहुत जल्दी। सो हमें इसे 2 से 3 मिनट भूनना है, जिससे इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। फिर हम इसमें अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सो हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए रहना है, जब तक इसमें हल्का सा कलर ना आ जाए, ब्राउनिश कलर, तब तक हमें इसे चलाना है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। मैंने यहाँ पर 1/2 कप चीनी लिया था, वो फुल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सो इसे भी हम चलाते रहेंगे, जिससे चीनी जो है वो कैरमलाइज्ड हो जाए। सो चीनी जैसे ही हल्की सी कैरमलाइज्ड होगी, हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। तो हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, जिससे नारियल के साथ चीनी कैरमलाइज्ड हो जाए। और अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। सो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और लो फ्लेम पे ही हम सारा प्रोसेस करेंगे। एंड देन अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये नारियल और चीनी जो है दूध में अच्छे से पकेगी। अब देखो ये काफ़ी अच्छे से पक रही है। सो 2-3 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एंड अब देखो इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। बस इसे थोड़ा सा और सूखने देंगे एंड फिर इसे निकाल लेंगे। तो फाइनली हमारा लड्डू का जो मिक्सचर है वो तैयार है। हम इसे अपना लड्डू का शेप दे देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कैसा भी लड्डू बना सकते हो। सो हमारा परफेक्ट नारियल का लड्डू तैयार है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करो। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, हेल्दी है। एंड आप अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करो, मुझे कमेंट में बताओ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।